जय हिंद कैडेट्स। जय हिंद मैम। आज आपका फायरिंग का कंपटीशन है। इस कैंप में 253 कैडेट्स ने फायर किया, जिसमें से आप 16 बेस्ट गर्ल्स हो। ये कंपटीशन दो फेजेस में होगा। 16 में से सबको चांस मिलेगा फायर करने का। बेस्ट चार लड़कियों को सिलेक्ट करेंगे और फिर सेकंड फेज में उन चार लड़कियों का आपस में कॉम्पिटिशन होगा। ठीक है? यस मैम। अभी देखना है ये बेस्ट में से भी कौन बेस्ट है। फायरिंग के जो रूल आपको सिखाए गए थे, प्रैक्टिस सबने बराबर की, ऐसा नहीं है कि किसी लड़की को ज्यादा प्रैक्टिस मिली है, किसी को कम प्रैक्टिस मिली है। पर जो सिखलाई है फायरिंग की, जिसने उसको दिमाग में रखा, वही आज विजेता होगा। तैयार हो आप लोग? यस मैम। पहले चक्कर लगाओ। हाँ दौड़ो दौड़ो दौड़ो, बार में पूछेगा। लेट के पूछा सिंगल शॉट ग्रुपिंग थर्ड ब्यूटीफुल। इसको बोलते हैं फायरिंग। ये देखो बच्चों, पहले आप लोग देखो और ये देखो कितना क्लोज है। और इस वाले छेद से, तो यहां से देखो, यहां से ये वाले छेद से दोनों गोलियां डाल दी इसने, और ये दो भी कितनी क्लोज है। एक ही थोड़ी सी ऊपर लगी है, लेकिन अभी तक बेस्ट फायरिंग है इस लड़की। आपने पहले फायरिंग की है मैम? एक बार पहले की, एक ही बार की है। बताओ, एक ही बार करी इसने फायरिंग? ऐसा नहीं है कि ये कोई टीएससी बीएससी या शूटिंग कंपटीशन की प्रैक्टिस करके आ रही है। फिर भी इतना ब्यूटीफुल है। मैं आपका एक और बार देखना चाहती हूँ। कंपटीशन तो अभी हो रहा है, इसके बाद आई वांट टू सी कि मतलब इससे भी क्लोज तुम मार सकती हो कि नहीं। चलो वेल डन। ये लो भैया, क्या तुमने किया हुआ है, तो बहुत फैला दिया। हाँ, इसका मतलब निशाना ठीक नहीं है तुम्हारा, आपको और प्रैक्टिस चाहिए। हाँ दिखाओ। ईशा दीवान, तुम्हारा गड़बड़ हो गया। चलो इसको दे देना, एक और चांस दे देना। ये कह रही थी मेरा हथियार ठीक नहीं है, लास्ट में मिल जाएगा चांस। ठीक है, इसको कौन सा हथियार पसंद है बताओ, उसी से करा दो। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल नेहा, तुमने प्रैक्टिस किया पहले? हाँ, कब किया था प्रैक्टिस? अच्छा ये देखो, इसका भी बहुत सुंदर है। ये देखो, पहले मेरे को मेजरमेंट करके दिखाओ कितना है, सेंटीमीटर है। खुशी जरा और क्लोजर आके दिखाओ मुझे अपना। वाव ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। आपने तीन गोलियां इतनी चिपका के मारी हैं, बाकी दो थोड़ी सी अलग हुई हैं, लेकिन फिर भी ओवरऑल ग्रुप बहुत अच्छा है। जरा लगाइए तो स्केल, ये बना 3 सेंटीमीटर मेरे ख्याल से अभी तक बेस्ट है। तो तुम 5 हो सिलेक्टेड। ओके वेरी वेल डन खुशी, बहुत प्यारा बना हुआ है। 3 सेंटीमीटर। शालिनी 4 सेंटीमीटर। ईशा धीमान 5 सेंटीमीटर। संध्या 5 सेंटीमीटर और नेहा 5 सेंटीमीटर। तो तुम 5 सिलेक्टेड हो। अभी टक्कर का कंपटीशन है, ठीक है? एक चांस मिलेगा बस, इन 5 में से डिसाइड होगा कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड है, कौन थर्ड है। अब जिसका 3 सेंटीमीटर है, हो सकता है उसका भी 6 लग जाए, और जिसका 5 है, हो सकता है उसका 2.5 लग जाए। हाँ अभी सब लोग बराबर हो और फ्रेश माइंड से कंपटीशन देना है, ठीक है? तैयार हो? यस मैम। ऐसे नहीं, तैयार हो? यस मैम। चलो फिर चलते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं कौन जीतता है। कहाँ की रहने वाली है आप? सहारनपुर। चलो ठीक है, सहारनपुर सहारनपुर। सबसे पहले सिर्फ तुम दोनों का ही कंपटीशन होगा। अब तुम पहले तसल्ली कर लो कि यहाँ पे जो 5 हथियार रखे, इसमें से तुम्हें कौन सा पसंद है। बाद में ऐसा नहीं होना चाहिए भाई ये हथियार अच्छा नहीं था, मैंने तो इससे पहले कभी फायर नहीं किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तैयार हो? चलो फिर कमांड दो। लग गई पहले ही, तूने ट्रिगर दबा दिया? अरे कैसे, गलती से दबा दिया कि कैसे दबा दिया? अब तो तेरा गया, अब पता नहीं कहाँ लगा तेरा पहला वाला बुलेट। अब कोई बात नहीं, अब तू आगे बढ़ कंपटीशन में। देखो कोई रिलैक्सेशन नहीं होता, अगला राउंड डालो। बहुत ध्यान से चलना पड़ता है।
माइंड को एकदम कूल रखो। इससे पहले जो दो जनों ने फायर करा उसमें एक कैडेट का फायर गलत हो गया, उसका ट्रिगर जब वो दबाना नहीं चाह रही थी तब दब गया, ठीक है। अपने माइंड को अलर्ट रखो और ध्यान से कार्रवाई करनी है, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट, कमांड दीजिए। नेहा और दिया, आपको पता है अभी बेस्ट क्या चल रहा है? ग्रुप 3:30, 3:30 का ग्रुप बेस्ट चल रहा है। दो जनों का, दोनों का 3:30 है, उससे छोटा ग्रुप मारोगी तभी फर्स्ट आओगी, ठीक है। कंपटीशन बहुत है। चलो ऑल द बेस्ट, माइंड रिलैक्स रखो और स्टार्ट करो। हाँ, कमांड दीजिए। तेल भर, सेकंड का दो, ऐसे भी कर सकते हो, ध्यान से फेयर करना, ठीक है। पूरा आपका कोई और टाइम नहीं है, अपनी मर्जी से करना। तो 6 में से तुम 3 सेलेक्ट हुए हो और तीनों का 3:30 का ग्रुप बना हुआ है, तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड कैसे डिसाइड होगा? तो इसके लिए हम एक और राउंड करेंगे और तीनों को चांस मिलेगा और फिर हमें पता चलेगा कि कौन फर्स्ट सेकंड थर्ड आता है। कंपटीशन बहुत टफ है, फोकस करके करना है, बेस्ट परफॉर्मेंस करना है, ठीक है। प्रेशर के अंदर कौन अच्छा फायर कर सकता है उसी से पता चलता है कि कौन विजेता है। आर यू रेडी? यस मैम। सबसे ज्यादा स्माइल, सबसे बड़ी स्माइल शैली की, और क्यों ना हो, 2.5 सेंटीमीटर के साथ शैली इज फर्स्ट। वेल डन शैली, लवली। साहब एक बार यहाँ पे स्केल लगाओ तो प्लीज, स्केल लगा के जरा नाप के कंफर्म भी करते हैं। हाँ, तो ये हमने स्केल लगाया और बिल्कुल 2.5 सेंटीमीटर। ब्यूटीफुल शैली, वेल डन, यू आर फर्स्ट। अच्छा अभी आपका देखते हैं। हाँ, आपका है 3.5 सेंटीमीटर, सेकंड पोजीशन, गुड। थोड़ा सा नेहा आप स्ट्रेस में आ गए, आपका थोड़ा फैला हुआ ग्रुप बन गया, बट स्टिल नेवर माइंड, यू आर थर्ड। वेरी वेल डन, कंग्रेचुलेशंस टू यू ऑल।